क्या इसका थीम है, क्या स्टोरी लाइन है, और दिनेश जी और अक्षरा जी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, सबसे पहले तो जहां लेबू का इस टाइटल से थोड़ा सा ऐसा फील आता है कि सोशल कॉमेडी के साथ में दिनेश जी का एकदम ही अलग रूप पेश करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस पिक्चर में, और इट्स अ फुल ऑफ कॉमेडी सोशल फैमिली ड्रामा जो आजकल से बिकॉज टू मच ऑफ फिल्म आई है जो बहुत सेम टाइप लग रही है, तो वी विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, लेट्स सी कितना हम सक्सेस होते हैं उसमें। तो सर, अपने डिफरेंट की बात की, कुछ अलग करने की बात की, तो काफ़ी दिनों से आप इस क्षेत्र में, क्या डिफरेंट पा रहे हैं अभी के दौर में आप भोजपुरी फिल्मों में? नहीं, मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से भोजपुरी से थोड़ा सा दूर हो गया था। आई मेड पंजाबी मूवी, गुजराती मूवीज, फिर एक हिंदी पिक्चर बनाई थी, थोड़ा सा दूर था बिकॉज थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा हो गया था, लेकिन नाउ इज ग्रोइंग, अगेन इज ग्रोइंग, तो जैसे ही ग्रो हो रहा मैं वापस आ गया, लालची इंसान होते वापस आ गया। निरहुआ रिक्शा वाला के बाद से लेकर अभी तक क्या कुछ भोजपुरी में बदलाव आया है? टेक्निकली बहुत अच्छी हो रही है, टेक्निकली इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, हर डायरेक्टर जो इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं और जो पिक्चर बना रहे हैं जो मैंने देखी, इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, नो डाउट। फिल्म में जानलेबू का हूँ मैं, हमने अक्षरा जी को कास्ट किया है जिससे कि हमेशा अमरपाली जी दिनेश जी के साथ आती हैं नज़र, क्या कुछ खास वजह? नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं है, मैं अमरपाली जी को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, दिनेश को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, बट द थिंग वॉज दैट कि हम लोग के जो रोल वी वर थिंकिंग ऑफ, जो हम लोग ने एक रोल डिसाइड किया था उसके अंदर अक्षरा बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसके लिए भी एंड देखने के बाद में और चीज़ क्या था कि थोड़ा सा था कि थोड़ा सा कुछ वेरायटी मिले, वेरिएशन मिले, वी जस्ट ट्राई टू सी पर्दे के ऊपर वेरिएशन मिले। नहीं सर, मैं संतुष्ट नहीं इस आंसर से, आप जैसे खूबसूरत सनी लियोनी भी लगती है। वो हम उसको कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट पिक्चर का प्लानिंग कर रहे हैं, उसके साथ तेरी मनोकामना पूरी करेंगे साले। दिनकर सर, ये जाना चाहूंगा और क्या, ये उसके ऊपर ही जाना चाह रहा है, ये तो डाल ही देना सर। एक परसेप्शन बन जाता है कि जब किसी हीरोइन के साथ साइलेंस प्लीज, किसी हीरोइन के साथ कोई पर्टिकुलर जोड़ी बनती है, कई फिल्मों तक चलती है और कहा जाता है कि ये जोड़ी सबसे हिट जोड़ी है भोजपुरी सिनेमा की, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए, किसी नए को रोप करने के लिए, एक अनयूजुअल जोड़ी बनाने के लिए, आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा रिस्की गेम हो सकता है ऑडियंस के सामने? धर्मेंद्र हेमा मालिनी जी की जोड़ी थी क्या, वो दूसरी हीरोइन के साथ काम नहीं करते थे? मुमताज जी के साथ कितना उनकी फेमस ऐसा, देखो ये एक ऑडियंस होती है वो देखती है भैया हमको हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ही दिखे, वो आती है, लेकिन उनके साथ जब दूसरी हीरोइन होती है अगर वो भी परफॉर्मेंस अच्छा देख रही है और दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है तो वो भी चलती है। धर्मेंद्र जी ने खाली हेमा मालिनी जी के साथ तो ही ना काम किया, आपको बिल्कुल लगता है कि ना सिर्फ डाइजेस्ट करेगी बल्कि इसे हिट भी बनाएगी? कोशिश यही रही सर, बाकी तो ऑडियंस है, आप लोग हैं, पता चलेगा क्या होगा। सर आपसे नहीं चाहूंगा सर, एक क्वेश्चन और, आप बहुत लंबे खलनायक अपने लिए, दीपक भाटिया नाम है, हाँ कुछ इनके बारे में बताएंगे? तो विलेन विलेन दिख रहे हैं कि नहीं? तो विलेन के रोल में लिया है, दिख रहे हैं तो लिया। दीपक जी आपने यही बना था, आई नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब आपको बहुत फीस चाहिए, उसके लिए बताइए। ये फिल्म के लिए है। अच्छा, आज मकर संक्रांति का दिन है, ये फिल्म के लिए है ये लाइन। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है जो